हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक मिल्कित प्लम्बर में। तो दोस्तों, आज छोटे छोटे ये प्रोमो देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा वीडियो आने वाला है। दोस्तों, तो जो टर्न सीलिंग में फिटिंग की गई है तो उसका पूरा वीडियो आने वाला आपके लोगों के सामने। तो चलो शुरू करते हैं, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो पीछे मैंने दिखाया था जो कोर कटिंग से ब्रिक्स भी हुए थे उसकी भी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को लेके आ गया हूँ होटल की जो फिटिंग की गई है, तो उसकी डाउन सीलिंग के अंदर। तो डाउन सीलिंग के अंदर जो काम किया गया है उसका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो अंत तक जरूर बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना। और जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ घंटी को बजा दो, अगला वीडियो आते हैं तो आपको पहले से ही मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो पूरा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो दोस्तों, ये देखो हम लोगों ने अभी ये काम, पीछे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि जैसे जैसे ये होटल की फिटिंग होएगी वैसे वैसे मैं आपको वीडियो पूरा दिखाता चलूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये डाउन सीलिंग के अंदर काम होता है। तो कई भाई जो नए हैं वो देख के इसको समझ भी सकते हैं कि कैसे डाउन सीलिंग के अंदर फिटिंग की जाती है और कैसे काम होता है। तो काफ़ी सारे प्लम्बर छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं काम करने में, तो उनके लिए भी ये वीडियो है और जो सीखे हुए हैं तो उनके लिए भी है, देख सकते हैं, देखने में कुछ नहीं जाता। तो इस तरह से देखो दोस्तों, 4 इंची पाइप की क्रॉसिंग की गई है। तो क्रॉसिंग देखो किस तरह से की गई है, YT डाल के और ऊपर से 40 डिग्री डाल के, तो इस तरह से क्रॉसिंग की गई है। तो इधर एक 90 डिग्री एल्बो डाल के और ऊपर 40 डिग्री डाल के और इधर से पी ट्रैप को टच कर दिया गया है लेंटर के साथ। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेंटर से जितना आप टच करके चलोगे उतना ही आप ऊपर से फ़ायदे में रहोगे। अगर जितना आप डीपली लगाओगे लेंटर के नीचे तो कल को सफाई करने में दिक्कत होगी। तो इसके डाउन बीम बहुत है, तो हम लोगों ने ये सारा सेटिंग करके इसको, तो ये देखो इधर से भी क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग आप देखो कितनी अच्छी तरीके से क्रॉसिंग की गई है। और ये वाला पी ट्रैप को नीचे से सेटिंग किया गया, तो इधर को ले जा के और इधर देखो डबल ऑफसेट 45 डिग्री डाल के, तो ये सारी सेटिंग की गई है। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इस काम में, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये कमर्शियल बिल्डिंगों में बड़े बड़े आजकल प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं होटल वगैरह का, तो उनमें ये सारा काम होने लग गया है। तो आने वाला समय इसका ही है। तो यहाँ पे ये देखो साइलेंट पाइप पड़ी है तो, और नॉन साइलेंट भी पड़ी है। तो इधर ये देखो इस तरह से ऊपर से लाइन्स आ रही हैं, तो ऊपर ये साइलेंट पाइप है सारी। तो अभी दूसरे बाथरूम के अंदर जो चलेगी उसके अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो इस तरह से क्लंपिंग भी की गई है, इधर हमारी 2 इंची की लाइन जो आ रही है, तो ये CPVC 2 इंची की लाइन भी आ रही है, इसको भी क्लंप करके लेके आए हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक वाले बाथरूम है तो उनमें के अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखो इधर अभी काम चल रहा है, तो ऊपर देखो ये 2 इंची वाली लाइन आ गई। तो यहाँ पर टी मार के इस बाथरूम की लेडीज़ वाले की भी दी जाएगी और जेंट्स वाले की। ऊपर देखो दोस्तों, ऊपर सीलिंग के अंदर यहाँ पे भी ऊपर बाथरूम्स हैं, तो ये देखो YT डाल के और डबल 40 डिग्री डाल के, तो कितनी अच्छी तरीके से इसको सेटिंग की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ा काम करोगे तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, क्योंकि पीछे फिटिंग मैंने की है तो देखने में भी अच्छी लग रही है। तो साफ़ सुथरी फिटिंग हुई है, कोई ज़्यादा उलझन नहीं है इसके अंदर। समझने वाले होते हैं उसको समझ आ जाती है, जो नहीं समझने वाले होते हैं उसको नहीं समझ आती है। तो यहाँ पे अभी इधर पैड वगैरह पड़ी तो उधर नहीं जा सकते हैं, तो वापस चलते हैं। तो अभी मैं ये आप लोगों को एक और, ये देखो ऊपर वाला एक छोटा सा टॉयलेट है उसकी है, तो ऊपर से फिटिंग की गई, यहाँ पर अभी 2 इंची लाइन आ चुकी है तो इसकी भी अभी नीचे करेंगे। तो इधर देखो यहाँ पर भी एक ऊपर टॉयलेट है, तो उसकी भी ये सप्लाई देखो, तो यहाँ से भी ये भी सीलिंग के अंदर है दोस्तों। तो कोर कटिंग से सुराख करके सीलिंग के अंदर फिटिंग की जाती है। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ घंटी के बताओ, जो कि अगर हुआ था उसने बड़े पहले से ही मिल जाए। तो ये देखो दोस्तों, ये YT डाल के यहाँ पर ऊपर बाथरूम्स है, तो ये देखो ये कितनी साफ़ सुथरी फिटिंग की गई है। तो आप लोग इसको देखो, तो उधर देखो उधर भी YT डाल के, टी का कम से कम मैंने यूज़ किया है, ज़्यादातर मैं 90% मैंने YT ही डाल के ये फिटिंग की है।
तो इधर देखो ये भी डबल डबल वाईटी और इधर भी वाईटी लगा के, तो इस तरह से दोस्तों फिटिंग को सेटिंग किया गया है सारा। तो आप लोग देख ही सकते हो, अगर किसी को काम अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हो, अगर कोई और इसमें चेंज करने वाला तो वो भी बता दो, हम अगले नेक्स्ट काम के अंदर इसके सुधार लेके आएंगे। तो अगर कोई और अच्छा सुझाव है तो वो मेरे को कमेंट करके नीचे मैसेज छोड़ सकता है, तो आगे भी कोशिश करेंगे, और भी सारी ज़िंदगी आदमी तो बंदा काम सीखता ही रहता है, तो और भी कुछ कोशिश करेंगे इसको सीखने की। तो ये देखो इधर भी कोर कटिंग, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे कोर कटिंग की गई थी, कोर कटिंग और लेंटर बहुत मोटा था, 10-10 इंची यहाँ पे लेंटर डाला हुआ था। तो ये देखो इतने बड़े बड़े पिक्स निकाले हैं कोर कटिंग के। तो इधर देखो दोस्तों वाईटी लगा के डबल सेटिंग की गई है यहाँ पे इस बाथरूम के अंदर। तो इधर एक पॉइंट दूसरी साइड पे गया है, तो इधर ये लाइन्स आ रही है CPVC और इसके नीचे ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पे ड्रेन वाल लगा के। और ये देखो इसने नीचे वाले फ्लोर के अंदर फिटिंग आई हुई है इधर। तो अभी आप लोगों को मैं एक रूम के अंदर भी लेके आ गया हूँ, जो एक रूम के अंदर ऊपर बाथरूम्स आ रहे हैं, तो ये देखो ऊपर वाले बाथरूम्स हैं जो रूम के नीचे आ रहे हैं, तो इसकी भी फिटिंग की गई है वाईटी लगा के, और इधर पी ट्रैप मारा गया है। तो अभी काम चल रहा है, बीच में क्लंपिंग वगैरह कहीं कहीं रहती है वो भी कर रहे हैं। तो काम की अभी इसके इस लाइन के अंदर पानी भरेंगे, पानी भर के इसकी टेस्टिंग होगी सारी, तो कम से कम इसके अंदर एक हफ्ता पानी छोड़ेंगे, पानी छोड़ के देखेंगे नीचे से एंड कैप लगा के, तो सारा पानी छोड़ेंगे इसके अंदर। तो पानी छोड़ के इसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर बाद में इसको चेक करके इसको फाइनल स्टेज पे छोड़ देंगे।